नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आपको पता होगा आजकल हमारे देश में जो है बीमारी का मसला चल रहा है, उसको लेकर दोस्तों भारत सरकार यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी ने सरकार की तरफ से भारतवासियों के लिए, देशवासियों के लिए, आम लोगों के लिए बहुत सारी बड़ी घोषणा की गई है। 15 बड़े ऐलान और बड़ी घोषणाएँ निकल कर आ रही है। सीधे सीधे बैंक खातों वालों को भी बड़ा फायदा दिया गया है। इसके अलावा सस्ता राशन उपलब्ध कराने को लेकर भी बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों सरकार देगी चावल, गेहूं, चीनी वगैरह, ये सब कुछ बहुत ही सस्ता। किन किन लोगों को, करोड़ों लोगों को ये ज़्यादा मिलेगा, ये जानकारी तो आपको बताएंगे। इसके अलावा दोस्तों देश के अलग अलग राज्यों के राज्य सरकारों ने भी हर महीने बैंक खातों में पैसे डालने का ऐलान भी किया है। तो कौन कौन सी स्टेट सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा और ऐलान। इसके अलावा सेंट्रल सरकार यानी केंद्र सरकार की तरफ से भी देशवासियों के लिए क्या क्या नया अपडेट आ रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि दोस्तों सरकार के 15 बड़े फैसले कौन से हैं जो अभी देश में मसला चल रहा है। लॉकडाउन के बीच फैसले लिए गए हैं जिनमें कि आम लोगों को परेशानी ना हो और देश में कोई लोग भूखा ना सोए। अभी जो लॉकडाउन की स्थिति चल रही है देश में, उस दौरान भी इसलिए सरकार का ये भी फैसला है। सबसे पहला अपडेट तो इस महामारी के बीच देश वो बड़े ऐलान जहां पर आपको क्या मिला फ़ायदा। सबसे पहला अपडेट कि दूसरे एटीएम से पैसे निकालने पर भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। सरकार ने अगले 3 महीने तक छूट दे दी है। आपको पता होगा एटीएम से जब हम कैश निकालते थे तो एक लिमिट समाप्त हो जाने पर अगले ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगता था, उसको 3 महीने के लिए फ्री कर दिया गया है। और इसके अलावा जिन महिलाओं का जनधन खाता है उनमें भी प्रति महीने 500 रुपये की मदद दी जाएगी। और उन महिलाओं को जो बीपीएल में हैं उनको भी गैस सिलेंडर फ्री वितरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में देश के 80 करोड़ लोगों को सस्ती रेट पर अनाज देने का फैसला भी किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की अपडेट लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक बने रहे न्यूज़ 24 आरजे हिंदी के साथ। धन्यवाद।